खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में गोक्षी करने वाले 20,000 के इनामी शातिर अपराधी ने पुलिस टीम पर जान लेने की नियत से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में इनामी की टांग में गोली लगी। बता दें चौकी अगवानपुर क्षेत्र में कांट रोड पर पुल के बीच समय करीब 2:52 पर बदमाशों पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हुआ, जिसका नाम रोहसिन पुत्र इंतजार निवासी कुरुशी आना कस्बा अगवानपुर बताया जा रहा है। मौके से एक बदमाश नासिर पुत्र ताहिर निवासी मोहल्ला कुरेशियान अगवानपुर भाग निकला। वहीं बता दें दोनों बदमाश थाना स्थानीय के मुकदमा पंजीकृत था, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही थी और वांछित भी चल रहे थे। आज रात्रि में लगभग 3 बजे थाना सिविल लाइन्स पुलिस अगवानपुर चौकी क्षेत्र में जब ये तलाशी कर रहे थे, दर्ज कर रहे थे, उसी दौरान एक पुलिस पार्टी पर किसी की तरफ से फायर किया गया अज्ञात बदमाश की तरफ से। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ है। पूछताछ पर उसने अपना नाम मोहसिन पुत्र इंतजार बताया है, जो अगवानपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर पूर्व के कई मुकदमे चौकसी के हैं और ये थाने से वंचित भी था, जिस पर 20,000 का इनाम भी है इसके ऊपर। इसका एक अन्य साथी जिसका नाम नासिर है, वो मौके पर इसके साथ था और जो मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग गया है। और ये एक महत्वपूर्ण सफलता पुलिस को मिली है, सिविल लाइन्स पुलिस को इनके इस गिरफ्तारी से। अवैध गौकसी पर प्रभावी अंकुश लगेगा।